ये हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम से करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। इन टर्म्स का थोड़ा सा मतलब क्लासिकल हिल्बर्ट स्पेस इस थ्योरम में भी है। देन अब बाई चांस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकती है डेफिनेशन, तो सिंपली हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल सीक्वेंस, कि टोटल सीक्वेंस अगर हम इसमें अपने सब्जेक्ट में बात करें हिल्बर्ट स्पेस में जो हमारे पास चल रहा है, इसमें टोटल सीक्वेंस है क्या। ये एक सीक्वेंस है जो हमारे पास फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकती है या इनफाइनाइट हो सकती है, ऑफ वेक्टर्स एक्स एन। मतलब जो ये सीक्वेंस बनेगी इसके अंदर वेक्टर्स हैं एक्स एन, ठीक है, और ये हमारे पास फाइनाइट भी हो सकती है इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इसको हम टोटल सीक्वेंस कब कहेंगे, अगर ये मैंने वेक्टर ले लिया जेड, यहाँ पे एक जेड है जो कि इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास ये फर्स्ट यूनिट में है, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है ना प्रोडक्ट स्पेस के फर्स्ट यूनिट में ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो जब मैं वो सारा टॉपिक कराऊंगी देन तब उसके अंदर ये सारा हम मतलब डीपली उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ जेड ऑर्थोगोनल है एक्स के फॉर ऑल के, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए और ये वाला मेरे पास अगर जीरो हो जाए, तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है उनको बोलते हैं हम टोटल सीक्वेंस। किस सीक्वेंस को, कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है जो कि फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है वेक्टर एक्स एन की, उसको मैं टोटल सीक्वेंस कब बोलूंगी, जब सभी के लिए यहाँ पे जो एक हमारे पास अगर इसके इस सीक्वेंस का कोई वही तो है, इस जैसे सीक्वेंस एक्स एन जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब फैक्टर्स होंगे, तो उनमें से एक्स के है जहाँ फॉर ऑल के मतलब सभी के लिए, एक्स वन हो सकता है, एक्स टू हो सकता है, X3 हो सकता है, जितने वेक्टर्स हैं अगर जेड उनके ऑर्थोगोनल है, अगर कोई उसके ऑर्थोगोनल आता है तो वो क्या बन जाता है, जीरो। अगर ये कहीं पे हमें कंडीशन दिखाई देती है तो हम उसको टोटल सिक्वेंस बोलते हैं। देन सेकेंड डेफिनेशन जो है वो सेपरेबल है। कोई भी हिल्बर्ट स्पेस को हम सेपरेबल, इन हिल्बर्ट स्पेस में बात कर रहे हैं, किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में हम सेपरेबल कब कहेंगे, जब हमारे पास ये जो होता है हिल्बर्ट स्पेस ये प्रोसेस करे ए टोटल सीक्वेंस को, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस को सेपरेबल कब कहेंगे, जब वो हमारे पास प्रोसेस करे ए टोटल सीक्वेंस को, क्लियर। देन क्लासिकल हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमारे पास इन इनफाइनाइट डायमेंशनल, मतलब उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी जो डायमेंशनल है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस हो, तो क्लासिक तो उसी को हम बोलते हैं एज ए क्लासिकल हिल्बर्ट स्पेस। मतलब क्लासिकल हिल्बर्ट स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डायमेंशनल का सेपरेबल स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और सेपरेबल स्पेस किसको कहते हैं, कौन से हिल्बर्ट स्पेस को कहते हैं, जो कि टोटल सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। और टोटल सीक्वेंस को कैसे कहते हैं, कि हर एक के लिए अगर उसके कोई ऑर्थोगोनल आता है तो वो अगर जीरो बन जाए तो उस सिक्वेंस को हम बोल देंगे टोटल सिक्वेंस, ठीक है। आई होप ये तीनों जो हमारे पास है यहाँ पे टर्म्स आपको अच्छे से समझ आई हो, और हम अपनी मेन थ्योरम करते हैं, ओके। अब देखते हैं हमारे पास मेन थ्योरम क्या है, ठीक है। एच मेरे पास कोई भी क्लासिकल हिल्बर्ट स्पेस होगा। क्लासिकल हिल्बर्ट स्पेस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल सेपरेबल स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो ये सेट दिया हुआ है ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है फॉर एच के लिए। अब ऑर्थो नॉर्मल भी मैं आपको बता दूंगी, ये भी हमारे पास फर्स्ट यूनिट से है, पर इसमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है, वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। देन ये मेरे पास एक सीक्वेंस ले ली मैंने म्यू एन की, जो कि बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की ये, मतलब ये म्यू एन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी एक बाउंड्री सीक्वेंस बना दी। अब यहाँ पे देखो, इफ टी इज द यूनिक ऑपरेटर, टी मेरे पास एक ऐसा यूनिक ऑपरेटर है जो इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई और इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ टी ही लिखा जा सकता है, तब मुझे प्रूफ करना है कि टी यूनिटरी होगा इफ एंड ओनली इफ, जो यहाँ से ही ले रहे हैं फॉर ऑल के लिए, इसकी मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्लियर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर टी यूनिटरी होगा तो ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये है तो ये प्रूफ करनी है, ओके क्लियर। अब हम इसको देखते हैं
और जहाँ पे जिस चीज़ की मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं वहीं पे उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ बता देती हूँ कि जो ऑर्थो नॉर्मल हमारे पास बात की गई है ना, ऑर्थो नॉर्मल, इसका सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो नॉर्मल के लिए इनर प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स आई और एक्स जे दो वैक्टर हैं, एक्स आई और एक्स जे, तो क्या होता है यहाँ पे, इक्वल इक्वल इसकी वैल्यू या तो वन होती है जीरो। कब वन होती है कब जीरो वो बताती हूँ। अगर आई और जे, इफ अगर आई और जे सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू वन होती है, इफ अगर आई नॉट इक्वल टू जे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल की बात कर रहे हैं। ऑर्थो नॉर्मल जो हमारे पास होता है ये फर्स्ट यूनिट में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम टॉपिक टू टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ हमारे पास छोटा सा यूज है वही मैं बता रही हूँ कि एक्स आई और एक्स जे दो वेक्टर हैं, उनका इनर प्रोडक्ट की बात करें। जैसे यहाँ पे एक्स एन है ना, तो मैंने इसी से रिलेटेड, इस सेट को ऑर्थो नॉर्मल है ये सेट, तो इसी के दो एलिमेंट ले लिए मैंने, दो वेक्टर ले लिए एक्स आई और एक्स जे। तो एक्स आई और एक्स जे की जो इनर प्रोडक्ट है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मल है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जो होगी बेटा वो क्या होगी, अगर आई और जे ये दोनों अगर मेरे पास सेम है तो इसकी वैल्यू वन आएगी। आई और जे मतलब जब सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे एक्स आई और एक्स आई मतलब सेम सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू वन होगी। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जीरो। क्लियर, तो ये चीज़ है। अब हम करते हैं अपना मेन प्रूफ। इसमें हमें सबसे पहले है गिवन डैट, हमें गिवन है कि टी इज यूनिक ऑपरेटर है मेरे पास सच डैट टी एस के इक्वल टू है मेरे पास म्यू के एक्स के फॉर ऑल के। क्लियर, ये चीज मुझे बेटा यहाँ पे गिवन। ठीक है बेटा, हम अपनी ये थ्योरम कर रहे थे, इस थ्योरम में है क्या वो देखते हैं। मैंने स्टेटमेंट अच्छे से समझा दी थी, अब जो चीज़ हमें गिवन है और जिन चीज़ों का यूज होना है वो देखते हैं। मैंने बता दिया था कि ऑर्थो नॉर्मल सेट यहाँ पे क्या है, एक्सएन है। ठीक है, अरे एक्सएन यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल सेट है बेटा, एक्स एन। ठीक है, ये ऑर्थो नॉर्मल सेट है। तो यहाँ पे इसके दो वेक्टर लिए मैंने, एक्स आई और एक्स जे, अगर ये दोनों आई और जे सेम होंगे तो इसकी वैल्यू वन होगी, एंड दोनों सेम नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि टी मेरे पास क्या है, यूनिक ऑपरेटर है इस तरीके से, तो वो चीज़ लिख लिया कि टी मेरे पास यूनिक ऑपरेटर है सच डैट। कि सिर्फ टी को ही इसी तरीके से लिख सकते हैं, इस मतलब टी के लिए देखो, एक्स तो सभी एस के तो इधर भी है, पर ये जो ये स्केलर है, ये जो हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीजें, ये टी के लिए यूनिक है, टी के लिए इसे ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई और लिखूंगी यहाँ पे तो उसका मतलब यहाँ पे कुछ और डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, हम करते हैं वी ऑब्जर्व डैट, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इफ मैंने टी था यहाँ पे, मैंने ले लिया टी एडजॉइंट। ठीक है, एस के, अब देखो यहाँ पे फॉर ऑल के, अब क्या था, मैंने बोला टी एक यूनिक ऑपरेटर है सच डैट दिस, एस के तो चलो वेक्टर है। ठीक, ये यू जो ये मेरे पास म्यू के है, म्यू के क्या है मेरे पास, एक बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब स्केलर स्केलर टाइप में, तो ये स्केलर इस टी के लिए यूनिक है। तो मतलब अगर मैं टी के एडजॉइंट का अगर लेती हूँ तो वहां पे मैं मान लेती हूँ लैम्डा के। क्यों माना मैंने, क्योंकि टी के लिए ये यूनिक आएगा, इस फॉर्म में यूनिक है। अगर मैं उसके टी के एडजॉइंट को अगर इस फॉर्म में लिखती हूँ तो यहाँ पे कोई और आएगा। अब हम देखेंगे कि ये और आएगा तो आएगा क्या, ठीक है वो चीज चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम करेंगे यहाँ पे लैम्डा के, और जो हमारे पास ये एस के है ये ले लेते हैं एक्स के, ये इनर प्रोडक्ट में। क्लियर,
लैम्डा की मैंने बहा लिया इनर प्रोडक्ट ऑफ एस के एंड एस के, ये क्यों लिया अभी बताते हैं। फॉर इवेल्युएट दिस, इसकी इवेल्युएशन के लिए, इसको इवेल्युएट करना हमने, इसको देखना है कि ये क्या है, क्या ये इससे कुछ लिंक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चीज़ चेक करनी है कि टी मेरे पास इस फॉर्म में यूनिक है। अगर मैं टी का एडजॉइंट ले रही हूँ तो म्यू के तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि वो तो यूनिक फॉर्म में है, ये इसके यूनिक फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो यहाँ पे मैंने कोई लैम्डा के मान लिया। अब मैं ये चेक करूँगी कि जो लैम्डा के मैंने अपनी साइड से माना है कि ये इससे कुछ लिंक है कि नहीं है, वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। अब तो इसके चेक करने के लिए मैंने लिया लैम्डा के और एस के का इनर प्रोडक्ट। अब क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम लेते हैं इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इसको अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे लेके जाती हूँ, ये स्केलर है मेरे पास, लैम्डा के जो है एक स्केलर है जो कि मेरे पास बेटा इन्हीं में से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीक्वेंस है ना जो बाउंडेड है, वो स्केलर, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्केलर ही है, तो इसके इस टी के लिए ये यूनिक स्केलर है। तो जब मैं इसके एडजॉइंट लूंगी तो यहाँ पे मैंने लैम्डा के मान लिया, मैं लैम्डा के की वैल्यू यहाँ पे देखूंगी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, अगर ये यहाँ पे है, अगर इसको मैं फर्स्ट प्लेस पे लेके जाती हूँ तो ये एज इट इज जाता है, बट अगर इसको मैं सेकंड प्लेस पे लेके जाती हूँ तो इसका क्या हो जाता है बेटा, कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे मेरे पास ए एक्स और वाई है, तो जब मैं इस ए को जो मेरे पास स्केलर बाहर लूंगी तो ये एज इट इज आता है फर्स्ट प्लेस से, बाई चांस मेरे पास ये ए सेकेंड प्लेस पे है तो जब ये बाहर आएगा तो इसका कॉन्जुगेट आता है सेकेंड प्लेस पे, क्लियर ये चीज। तो अब यहां से देखो, मैं इसको फर्स्ट प्लेस पे लेके जा रही हूं तो ये एज इट इज आएगा, ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी से एक्स के वाई, ए बाहर एक्स और वाई, फर्स्ट प्लेस पे था बाहर निकाल लिया। अब मेरे पास ये चीज है तो मैं इसको जब फर्स्ट प्लेस पे ले जाऊंगी तो एज इट इज आ जाएगा, क्लियर इससे। अब ये चीज, अब बेटा ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास लैम्डा के और एक्स के की वैल्यू क्या है, दिस टी स्टार एक्स के और एक्स के का इनर प्रोडक्ट, ये चीज मेरे पास यहां से आ गया, क्लियर। उसके बाद यहां पे देखते हैं, अब ये देखो ये टी जो है मेरे पास, यहाँ पे मैं एक्स के ऐसे लिख लेती हूँ। अब देखो ये टी जो है, टी का जो एडजॉइंट है यहाँ पे है टी स्टार, ये फर्स्ट प्लेस पे है, जब मैं बोलती हूँ जब ऑपरेटर सेकंड प्लेस पे जाएगा तो उसका स्टार लग जाता है, तो ये जब मेरे पास सेकंड प्लेस पे जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी ये तो था टी स्टार तो था, जब ये कोई भी ऑपरेटर फर्स्ट से सेकंड पे जाता है तो स्टार लगता है और जब रिमेन वापस आता है तो स्टार हटता है, ये चीज़ माइंड में सेट रखना। जब ये फर्स्ट से सेकंड पे गया तो स्टार लग गया, तो एक ये तो स्टार है ही, तो एक स्टार और आ जाएगा और यहाँ से एक्स के एज इट इज, ठीक है। और हम तो ये चीज़ जानते हैं कोई भी ऑपरेटर होगा उसके एडजॉइंट का भी अगर एडजॉइंट लेते हैं तो वो उसी के इक्वल होता है, क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्स के और ये जो टी ये वाली इसकी जगह लिख सकती हूँ ये, क्लियर। अब बेटा ये क्या है, किसकी वैल्यू है मेरे पास, टी के एक्स के की वैल्यू क्या है, दिस, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स के और दिस म्यू के और एक्स के, क्लियर। और यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी ये चल ही रहा था, क्लियर। तो बेटा मैं ना इसको एक साइड में लिख देती हूँ, जब आगे करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे टी एक्स के है, म्यू के एक्स के है और यहां से हम अभी ये टी स्टार एक्स के है, लैम्डा के एक्स के, क्लियर। साइड में लिख दिया, इसको रफ कर देते हैं ऊपर। अब देखो यहाँ से लैम्डा के मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग एक्स के का इनर प्रोडक्ट एज इट इज। अब देखो यहाँ से मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी
कि जब मेरे पास ये वाला फर्स्ट प्लेस पे होता है, जब बाहर आता है तो एज इट इज आ जाता है इनर प्रोडक्ट में। और जब ये मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर बाई चांस सेकेंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो जब इनर प्रोडक्ट से बाहर आता है एज इट इज आता है, पर जब मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट में सेकेंड प्लेस पे है, तो जब ये बाहर आता है तो ये अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। क्लियर? अब देखो इससे कंपैरिजन करो, एक्स एक्स की जगह यहाँ पे एक्स के है, ए की जगह म्यू के है और वाई की जगह एक्स के है। ठीक है, तो जब मैं म्यू के को बाहर लूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू के का कॉन्जुगेट सेकेंड प्लेस पे है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर कोई भी स्केलर मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे एज इट इज सेकेंड प्लेस पे है तो उसका कॉन्जुगेट आता है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यू के जो स्केलर है मेरे पास, ये क्या है, सेकेंड प्लेस पे, तो जब ये बाहर आएगा तो इसका कॉन्जुगेट आएगा। क्लियर? तो इसका कॉन्जुगेट बाहर, रिमेनिंग बच गया मेरे पास यहाँ पे एक्स के और एक्स के। क्लियर? अब ऐसा नहीं, यहाँ से ये चीज कैंसिल नहीं करनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या आगे बेटा, हमें यहाँ पे ये चीज दिया हुआ कि जो एक्सएन है ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ फॉर्म, मतलब ऑर्थोनॉर्मल का सेट है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही चीज ध्यान रखनी, जो ये एक्स के है, तो यहाँ पे सिंस एक्स के जो है मेरे पास, या एक्सएन मान लो, एक्सएन इज ऑर्थो नॉर्मल सेट है, ऑर्थो नॉर्मल सेट है, देन अगर ये एक्सएन मेरे पास ऑर्थो नॉर्मल सेट है, देन तब क्या होगा, इसके मैं दो एलिमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, या हम यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ऑर्थो नॉर्मल सेट है, तो यहाँ पे अगर आई और जे सेम सेम होंगे तो इसकी वैल्यू वन होगी, अगर डिफरेंट होंगे तो होगी। तब मेरे पास इसके दो वेक्टर लिए मैंने, एक्स के और एक्स के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वन। क्लियर? इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, मुझे पता है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मल सेट, ऑर्थो नॉर्मल की मेरे पास डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई भी सेट ऑर्थो नॉर्मल होता है तो उसके हम दो वेक्टर लेते हैं, एक्स आई और एक्स जी, दो डिफरेंट वेक्टर ले लिए। तो इसमें क्या है, अगर ये दोनों सेम है, आई और जे क्या है मेरे पास, सेम है, तो इसकी वैल्यू वन होगी, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स एन क्या मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर लिए होंगे, तो अब यहाँ पे देखो एक्स के यहाँ पे के और के क्या हो गए मेरे पास, सेम, मतलब आई और जे क्या हो गए, सेम, आई और जे क्या हो गए, सेम, जब सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनर प्रोडक्ट की वैल्यू वन। क्लियर? अच्छे से लिख देते हैं, वन, इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वन। क्लियर कैसे हुई, कि एक्स एन मेरे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो मुझे पता है कि जब उसके दो वेक्टर लेंगे तो उनकी डिफरेंट, वो सेम सेम होंगे तो वैल्यू सेम, मतलब एक्स और एक्स एक्स आई और एक्स जे, तो आई और जे अगर सेम सेम होंगे तो वन होगी, डिफरेंट होंगे तो जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये आई है ये जे है, यहाँ पे दिस आई दिस जे, तो ये तो दोनों सेम है, आई और जे सेम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, तो यहाँ से इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वन। तो यहाँ पे इम्प्लाइज करो, इम्प्लाइज, तो यहाँ पे लैम्डा के इसकी वैल्यू वन होगी, यहाँ पे म्यू के इसकी वैल्यू वन होगी। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ से ये चीज निकल गई, कि जो हम यहाँ पे, मेरे पास ये यूनिक थी इस स्केलर के लिए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन थी, यूनिक वेक्टर ऑपरेटर था, पर जब मैंने इसका एडजॉइंट निकाला तो मैंने कुछ इस लैम्डा के मान के चला चली। ठीक है, तो मैंने देखा है कि लैम्डा के इससे कुछ रिलेट हो सकता है कि नहीं होगा, तो वो चीज़ हमने कर दिया, क्या, कि जो हमारे पास टी, यहाँ पर टी एक्स के क्या है हमारे पास, म्यू के एक्स के है, अगर मैं इसका एडजॉइंट लेती हूँ इस ऑपरेटर का, तो वो किस फॉर्म में होगा, इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा और एक्स के। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हो गया, हमारे पास ये वैल्यू तो गिवन थी, हमने इस तरीके की एक फॉर्म मानी कि टी के
लिए यूनिक के लिए तो ये यूनिक होगा, बट अगर मैं इसका एडजॉइंट लूँ तो यहाँ पर भी कोई ना कोई तो स्केलर आएगा, वो लैम्डा के। फिर हमने इस स्केलर को फाइंड किया, ऑब्जर्व किया कि क्या हो सकता है, तो उसकी वैल्यू आ गई ये कि जो ये स्केलर है ना, और जब मैं इसका एडजॉइंट लूँगी तो इसका इस स्केलर का कॉन्जुगेट आएगा, तो वो चीज़ आ गई, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास ये काम तो हो गया फिनिश। ठीक है, अब आगे करते हैं बेटा। अब यहाँ से हमारे पास मन में ना एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने ये एडजॉइंट क्यों निकाला। टी एक्स के मेरे पास है म्यू के एक्स के फॉर ऑल के लिए, और मैंने निकाल दिया टी के एडजॉइंट, टी का एडजॉइंट एक्स के, म्यू के का कॉन्जुगेट और एक्स के फॉर ऑल के, ये चीज़ निकाल दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज़ मान के चले थे, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी लैम्डा की। क्लियर? अब हम माइंड में ये चीज आएगा ये क्यों किया। बेटा ये इसलिए किया कि जब मैं यूनिट्री वाला पोर्शन करूंगी, यूनिट्री के लिए मुझे क्या क्या चीज़ है, टी, टी का एडजॉइंट इक्वल टू टी का एडजॉइंट, टी इक्वल टू आइडेंटिटी। यूनिट्री कोई भी ऑपरेटर हिल्बर्ट स्पेस में यूनिटरी तभी तो होता है जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी और टी का एडजॉइंट दोनों चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टी और टी का एडजॉइंट इसलिए निकाला। ओके, क्लियर? अब क्या है, मुझे यहाँ पे ये यूनिटरी वाला पोर्शन है तो कुछ इस तरीके से होगा, तो अब यहाँ से हम कुछ इस तरीके की फॉर्म निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले हम निकालेंगे, नाउ ये देखो टी इससे लिंक करते हैं, हमें ना स्टेप टू स्टेप वाइज चलना है बेटा। सबसे पहले हमें ये चीज़ गिवन है, तो मुझे पता टी यूनिट्री है तो मुझे इसके एडजॉइंट की नीड पड़ेगी, वो देख लिया कि एडजॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन थी इस स्केलर के लिए, तो मैंने इसका स्केलर फाइंड कर लिया। ओके, अब मुझे ये और ये चाहिए, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे किस तरीके से, ये ले लिया। और यहाँ पे बेटा जब हम टी और टी के एडजॉइंट की बात करें तो एक्स के लेके चल रहे हैं, इस तरीके की फॉर्म में है ऑपरेटर, तो हमने यहाँ पे एक्स के ले लिया। क्लियर? इतना। अब देखो इसको हम आगे करते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे टी मेरे पास एज इट इज है, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी। क्लियर? फॉर ऑल के लेके चलो, टी टी स्टार ये लेके चली। यहाँ पे देखो टी और टी का एडजॉइंट था तो एक्स के है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स के। अब इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यू पुट कर दी। अब टी मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है तो ये लीनियर है, तो इसके लिए क्या होता है, जो भी स्केलर होते हैं वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, बाहर। तो रिमेनिंग बचा टी एक्स के फॉर ऑल के। क्लियर? क्यों बाहर लिया ये स्केलर, क्योंकि मेरे पास टी ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर है तो जो स्केलर होगा वो बाहर आ जाएगा। क्लियर? अब ये चीज़ मेरे पास एज इट इज है, अब इसकी वैल्यू क्या, टी एक्स के की वैल्यू क्या, दिस, ये वैल्यू पुट कर दी फॉर ऑल के। अब देखो हमेशा मैं बताती आई हूँ, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात चल रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो मोड ऑफ जेड के स्केयर के बराबर होती है। क्लियर? ये मैंने अपनी कुछ थियरम्स हैं जो पहले कराई थी उसमें इसका पूरा प्रूफ कराया। ठीक है बेटा, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो में जाके आप देख लेना। जेड जेड बार, ठीक है, ये है, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ उसका कॉन्जुगेट है तो वो इक्वल टू होता है उसके मोड के स्केयर के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास है म्यू के, जेड की जगह है म्यू के बार, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं इसको इसके मोड के स्केयर के बराबर फॉर ऑल के। क्लियर? तो यहाँ से हमने फाइंड कर दिया बेटा ये, तो इसको मैं एक साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, या ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, इसको इक्वेशन नंबर मैंने डाल दिया फर्स्ट, फर्स्ट डाल देना बेटा। टी टी स्टार एक्स के की मेरे पास वैल्यू आ गई मॉड ऑफ म्यू के का स्केयर एक्स के फॉर ऑल के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने इसकी वैल्यू तो निकाली, अब इसकी निकालती हूँ।
टी स्टार टी एक्स के, ठीक है। अब देखो टी स्टार टी एक्स के, अब टी स्टार तो मेरे पास एडिटीज है, अब टी एक्स के की वैल्यू क्या मेरे पास, दिस म्यू के एक्स के फॉर ऑल के, ठीक है, फॉर ऑल के, फॉर ऑल के, क्लियर, ये चीज आ गया। अब टी स्टार जो है मेरे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, तो जो अंदर स्केलर होगा वो बाहर, रिमेनिंग जो बचा मेरे पास वो बचा ये फॉर ऑल के, क्लियर। अब देखो टी स्टार एक्स के की वैल्यू क्या मेरे पास, दिस इसकी वैल्यू रख दो फॉर ऑल के, तो वही चीज फॉर्म बन गई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू होते हैं उनके मॉड के स्केयर के, एक्स के फॉर ऑल के, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या ऑब्जर्व करते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये देखो यहाँ पे मोड का स्केयर है, ये भी सेम है, तो मतलब हमारे पास एल एच जो आर एच एस है वो सेम आ गई, क्या आई है यहाँ पे मोड ऑफ म्यू के का होल स्केयर एक्स के फॉर ऑल के लिए, और ये क्या है मेरे पास टी टी स्टार एक्स के इक्वल टू टी स्टार टी एक्स के, यहाँ से बात समझ आई बेटा। हम ये फाइंड किया, मैंने ये फाइंड किया, इसकी वैल्यू ये आई बेटा, इसकी वैल्यू आई, दोनों की वैल्यू सेम है तो सेम रख दी, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, जो वैल्यू आई वो, तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना क्लियर, अब हमारा लास्ट मेन प्रूफ चल रहा है वो देखते हैं। अब जो हम जहां तक हमें नीड है वो चीज करेंगे। ठीक है, लिंक कर करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि टी यूनिटरी होगी इफ एंड ओनली इफ दिस, मैं लेके चलती हूँ टी इज यूनिटरी, टी यूनिटरी है तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा मेरे पास, टी टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम बेटा हिल्बर्ट स्पेस से मेरे पास यहाँ पे फॉर ऑल के लिए एक वेक्टर यहाँ पे एक्स के आ जाएगा, आइडेंटिटी एक्स के, ठीक है। क्या किया मैंने, यूनिटरी है तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब बेटा हर जगह मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स के एक्स के एक्स के टाइप में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे फॉर ऑल के से हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर ले लिया एक्स के, यहाँ से ही, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स के एक्स के एक्स के, क्लियर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इसकी भी देन इसकी भी वैल्यू क्या दोनों की, ये तो यहां पे रख दिया मैंने वैल्यू, दोनों की वैल्यू रख दी बेटा। अब आइडेंटिटी के साथ जो आता है वो एज इट इज फॉर ऑल की, अब देखो बेटा ये सॉरी यहाँ पे एक्स क्या आएगा, ये और ये मेरे पास सेम है तो टू टाइम्स क्यों लिखे, वन टाइम में तो लिखा जाएगा, तो इसको लिख देंगे मॉड इक्वल टू एक्स के फॉर ऑल के, क्लियर। ये और ये मेरे पास दोनों वैल्यू सेम है तो मैं एक बार लिख सकती हूँ ना, दोनों का मतलब एक ही हो गया, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो ये मतलब दोनों बराबर ही है तो है, तो ये इसके इक्वल आ गया, क्लियर। अब देखो यहां से जो हमारे पास एक्स कैंसिल आउट जैसे कि हमने लिया था, तो यहां से आ गया मेरे पास इक्वल टू वन एक्स के जैसे हमने यहाँ पे लेके आए थे हिल्बर्ट स्पेस से, ऐसे यहाँ पे हमने वो कर दिया, तो इक्वल फॉर ऑल के लिए। अब देखो जब भी हम स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं बेटा, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर बराबर ए है, तो जब मैं इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालती हूँ तो प्लस माइनस ए करके लिखती हूँ, यही तो हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो मेरे पास म्यू के मॉड आएगा इक्वल टू प्लस माइनस वन,
ठीक है, फॉर ऑल के। अब एक चीज बताओ मेरे को, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू प्लस है और इसकी वैल्यू माइनस है, ठीक है, पर मोड की वैल्यू का भी माइनस होती है, क्योंकि मोड तो एक ऐसी ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी चीज है कि जो माइनस को भी क्या कर देता है, प्लस कर देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब है मोड हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। क्लियर, समझ आया कैसे? तो यहाँ से यही चीज हमें क्या है लेके चलनी थी कि टी यूनिट्री होगी। मुझे मैंने प्रूफ कर दिया कि मोड ऑफ म्यू के इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल के। इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, पर मुझे पता है मोड की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती है, तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए पॉजिटिव मिली। क्लियर, अब क्या है, मैं ये चीज लेके चलूंगी, फिर इस ये चीज करूंगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, रिवर्स में ये लेके चली मैं, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने यहाँ पे ये किया, फिर ये, जैसे ये आया, फिर ये, और जैसे ये आ गया तो मेरे पास टी क्या बन गया, यूनिट्री। तो ये इफ एंड ऑनली इफ का केस चला, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हमने जैसे की है, मैंने अभी बताया था, इसका दूसरा तरीका हम एक और कर सकते हैं, कैसे, इसके बाद यहाँ से, इसके बाद कर सकते हैं, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व, म्यू के का मोड का स्क्वायर एक्स के इक्वल टू एक्स के, ये चीज है मेरे पास, ये इधर एक्स के इधर है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस के एक्स के इक्वल टू 0, यहाँ पे भी एक्स के, यहाँ पे भी एक्स के, तो कॉमन लेंगे तो मोड म्यू के का मोड का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स के। अब मेरे पास दो फैक्टर है, एक ये और एक ये, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्लियर। बट बेटा एक्स के फॉर ऑल के लिए ये तो कभी मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है ना, यहाँ पे हमने इस तरीके से ही वो कराया, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 होगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ म्यू के का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा मेरे पास 1, दिस, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। मतलब कैसे, मॉड म्यू के का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। यहां से ये था, मैं इस ये चीज लेके चली, यहाँ पे ये भी आगे आप कर सकते हो, अगर आपको करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये से भी, तो इधर लेके आए एक्स कॉमन लिया, ये बचा। अब मेरे पास दो फैक्टर है, एक ये और एक ये, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। अब ये एक्स के मेरे पास जो वेक्टर है ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ से ये 0 होगा, ये इक्वल टू 0। अब फिर इसके आगे ये इधर चला जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी। फिर मैंने इसका मतलब आपको बता ही दिया है कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगी, पर मेरे पास मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम प्लस 1 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। ओके।